सभी को मेरा नमस्ते। मैं आकाश गंगा से, आज हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना सीखेंगे। यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। पौधों के लिए यह बूस्टर की तरह काम करेगा। इस लिक्विड फर्टिलाइजर से प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी और अगर फूलों का पौधा है तो इसका इस्तेमाल करोगे तो पौधा फूलों से भर जाएगा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ऑनियन के छिलके और पानी। इस दो ही चीज़ों से हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना के तैयार करेंगे। देखिए, इसमें हमने ऑलरेडी पोर करके रखा है ऑनियन के छिलके और पानी। इसमें हमने ऑनियन के छिलके आधी आधी मात्रा में डाला है और पानी आधा लीटर पानी इसमें हमने पोर किया हुआ है। इसे हमें 48 आवर्स रखना है, यानी कि 48 घंटे हमें इसे इस तरह से रखना है और आप इस तरह से ढककर रख दीजिए। इसके बाद इसका सभी जो एक्सट्रैक्ट है इसमें मिलेगा और इसके मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट इसमें पानी में मिल जाएंगे। देखिए, ये एक हफ्ते से जमा किया हुआ ऑनियन पील है। इसे हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने के लिए रखा हुआ था। अगर आप ऑनियन का लिक्विड फर्टिलाइजर जिस तरह से बनाओगे, उसका जो बचा हुआ जो छिलका आएगा, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा छिलके हैं तो आप इस तरह से भी एक फर्टिलाइजर बना सकते हो। देखिए, हमने इसमें ये ऑनियन पील डाला हुआ है। उसके बाद हमें डालना है एक लेयर कोकोपीट। ये देखिए, ये कोकोपीट है। इसमें इस तरह से हमें डालना है कोकोपीट। इस तरह से एक लेयर अगर बन जाए, उसके बाद हमें डालना है फिर से ये ऑनियन के छिलके, और इसी तरह से हमें इसकी लेयर बाय लेयर बनाते जाना है। और जब तक आपका गमला भरना जाए, आप इसकी एक लेयर दो लेयर बनाते जाइए और इसे हमें कम से कम 2 महीने तक स्टोर करके रखना है। इसके बाद ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा और आप इसमें मिट्टी में डायरेक्ट अगर डाल सकते हो, अगर तो आप प्लांट में डाल सकते हो इसमें। देखिए, इसमें हमने स्टोर करके रखा हुआ है इस तरह से। इसमें विटामिन B1, B2, B5, B6 और B9 का समावेश होता है। वैसे ही विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम इसका भारी मात्रा में स्रोत होता है। अगर इस सॉल्यूशन को आप 15 दिन रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका इस्तेमाल 15 दिन तक कर सकोगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट नहीं डालना है, पानी में मिला के 50-50 के रेशियो में आपको डालना है। अगर आप चाहो तो स्प्रे भी कर सकते हो। देखिए, इसमें हमने डाल के रखा हुआ है। इस तरह से आप स्प्रे कर सकते हो। इस तरह से इससे आपके प्लांट्स के जो पत्ते हैं ये हमेशा ग्रीन ग्रीन दिखेंगे और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होंगी। और उसके बाद अगर फूलों का पौधा है तो फूल तो बहुत ज़्यादा आएंगे और आपको इसका परिणाम बहुत जल्दी दिखेगा। आप बनाकर देखिए और इस्तेमाल करिए। धन्यवाद।